हेलो क्लास टेंथ स्टूडेंट्स, डेट 7th of July 2020, क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री, चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है ये। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हो गया है। वीडियो को अगर यार सब्सक्राइब करके नहीं रखो चैनल को तो फटाफट करके रखो, क्योंकि बच्चे बता रहे नोटिफिकेशन छूट जाता है, तो सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन फॉर ऑल ऑन करके रखो। केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर चल रहा है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। तो इसका भी लेक्चर नंबर 7 चल रहा है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 7 चल रहा है। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 7 इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो लोग लेक्चर 6 तक देख चुके हैं, तो वो लोग लेक्चर 7 पर आए, जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा वो देख लें। तो पीएच पिछले दो दिनों से पढ़ाया जा रहा था, पीएच भी पिछले दो दिनों से पीएच पढ़ाया जा रहा था। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक पीएच ऑफ सॉल्ट्स, अभी तक पहले पीएच पढ़ाया गया, पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताया गया, फिर एसिड और बेस का पीएच क्या होता है नहीं होता वो समझाया गया, पीएच स्केल बताया गया, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बताया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्ट्स जो बनाते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस के मदद से, उसका पीएच क्या होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ भी पढ़ा दिया गया है। तो आज जो सॉल्ट्स हो गए उसके पीएच के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा रिकॉल कर लेंगे लेक्चर फाइव में जो पढ़ा था कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में आप लोग एक बार रिकॉल कर लें। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दीज आर कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग इसीलिए नहीं क्योंकि वो जिम जाता है, स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं कि बहुत बॉडी बनाया है, स्ट्रॉन्ग इसीलिए जो लोग क्लास किए हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर में हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट ज्यादा करेगा, पानी में हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा पानी में जाने पर, ऐसे एसिड्स को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते थे, है ना। उस तरह से वीक एसिड्स, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ वीक एसिड्स। वीक मतलब खाना नहीं खाता है, कमजोर है नहीं, पानी में हाइड्रोजन आयन ठीक से डिसोसिएट नहीं कर पाना, पानी में हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन जल्दी जल्दी नहीं बढ़ा पाना, इसको हम लोग वीक एसिड्स कंसीडर करते हैं। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस आप लोगों को सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको सिखाया गया था। अल्कली जनरली जो बेस अल्कली है दे आर जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स। हाइड्रोक्साइड आयन्स का कंसंट्रेशन जो है वो पानी में बढ़ाना है, और वीक एसिड्स इज एमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड। वैसे जो लोग ने पिछला लेक्चर्स पढ़ा उन लोगों को मालूम होगा वीक बेस जनरली नहीं होता, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, कुछ मॉडरेट बेस है, वीक बेस जनरली मतलब कुछ ऐसा अलग से नाम नहीं है, है ना। पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया गया, एक बार मिला लो। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे पीएच ऑफ सॉल्ट्स, उसके लिए आप लोग अपने एनसीईआरटी का बुक निकाल लें भैया, एनसीईआरटी का बुक निकालो और एक्टिविटी 2.14 को देखो जी, एक बार देख लो एनसीईआरटी में एक्टिविटी 2.14 बोला गया है कुछ सॉल्ट सैंपल्स लेने के लिए। आप लोग देखें एक्टिविटी 2.14 को, कुछ सॉल्ट का सैंपल लेने के लिए बोला गया है सोडियम क्लोराइड का, पोटेशियम नाइट्रेट का, एल्युमिनियम क्लोराइड का, किसका जिंक सल्फेट का, सर कॉपर सल्फेट का, सोडियम कार्बोनेट का,
सोडियम बाइकार्बोनेट का, और बोला कि और कुछ सॉल्ट्स है तो उसको भी ले लो। उसके बाद देखो बोला क्या करने के लिए, सबसे पहले इन सॉल्ट्स का वाटर में सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए बोला है, इन सॉल्ट्स का वाटर में सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए बोला है, इन सॉल्ट्स का वाटर में सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए बोला है। और उसके बाद जब ये सॉल्यूशन बन जाए, ये अपने सॉल्ट से सॉल्ट का सॉल्यूशन बन जाए, सॉल्ट से सॉल्ट का सॉल्यूशन, सॉल्ट से सॉल्ट का सॉल्यूशन, सॉल्ट से सॉल्ट का सॉल्यूशन बन जाए, तब इसमें पीएच चेक करने के लिए बोला है कि जो सॉल्ट का सॉल्यूशन बन जा रहा है उन सब का पीएच चेक करने के लिए बोला है। सॉल्ट का सॉल्यूशन बन जाए तो पीएच चेक करने के लिए बोला है। और रूल अभी भी वही है, इन सॉल्ट का जब सॉल्यूशन बनाएंगे, इन सॉल्ट का जब सॉल्यूशन बनाएंगे और पीएच अगर 7 से ज्यादा आ गया तो वो सॉल्ट तो होगा बट वो सॉल्ट भी बेसिक सॉल्ट कहलाएगा। अगर पीएच 7 से कम आ गया तो वो सॉल्ट तो है ही बट वो जो सॉल्ट भी जो है वो एसिडिक सॉल्ट जो है वो कहलाएगा। सॉल्ट तो होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बना है, एसिड और बेस के रिएक्शन से बना है, सॉल्ट तो होगा बट वो सॉल्ट सॉल्यूशन भी एसिडिक या फिर बेसिक होगा। और मोटा मोटी पीएच अगर 7 के ही रेंज में आए तो वो जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ठीक है, तो अब सवाल है कि पीएच तो आपको डेफिनेशन लिखवाया गया था, ये सिर्फ एसिड और बेस का स्ट्रेंथ नापने के लिए बनता है। पीएच जो पढ़ा वो तो एसिड और बेस का स्ट्रेंथ जानने के लिए था, पीएच जो पढ़ाया गया वो एसिड और बेस का स्ट्रेंथ जानने के लिए था। बट अब कॉन्सेप्ट यही है कि सॉल्ट हम लोग कैसे बनाते हैं, तो सॉल्ट एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बनता था। एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बनता था। बट आप एसिड भी देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है। एसिड प्लस बेस ऊपर ऊपर से तो सॉल्ट बोलना ठीक है, बट आप इस तरह से अगर देखते हैं कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो सॉल्ट तो बनेगा, सॉल्ट तो बनेगा भैया, सॉल्ट तो बनेगा भैया, सॉल्ट तो बनेगा भैया, सॉल्ट तो बनेगा। बट क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग था तो सॉल्ट जो है वो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो सॉल्ट तो बनेगा, सॉल्ट तो बनेगा, सॉल्ट तो बनेगा, सॉल्ट तो बनेगा। बट क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग था इस वजह से जो सॉल्ट है वो बेसिक हो जाएगा। उसी तरह से अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, 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 तो सॉल्ट तो बनेगा, सॉल्ट तो बनेगा, सॉल्ट तो बनेगा, बट वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है आज का टॉपिक, पीएच ऑफ सॉल्ट्स, पीएच ऑफ सॉल्ट इसी पर बेस्ड है। तो पहले इसको थोड़ा सा लिख करके रख लो, इसको लिख करके रख लो, इसको लिख करके रख लो पहले, फिर देखते हैं क्या करना है। इसको समझने के लिए देखो बच्चों, इसको समझने के लिए देखो, ध्यान से देखो, इसको समझने के लिए देखो ध्यान से। पहला नंबर सॉल्ट लिया हमने NaCl, पहला नंबर सॉल्ट लिया सोडियम क्लोराइड NaCl, कॉमन सॉल्ट NaCl। और ये गेस करना सिखाया गया था कि अगर ये सॉल्ट है तो इसका एसिड कौन होगा और बेस कौन होगा, खुद से गेस करना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के मदद से, खुद से गेस करना है एसिड कौन है बेस कौन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं पढ़ा तो देख लो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से खुद से गेस करना पड़ता है कि जो सॉल्ट बना उसमें एसिड कौन है और बेस कौन है। जैसे इस केस में NaOH ये जो है वो हमारा बेस होता, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये जो है वो हमारा एसिड है। ठीक है, दिस वुड हैव बीन बेस, ये जो है वो एसिड है। और हम लोगों को मालूम है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिड भी स्ट्रॉन्ग और बेस भी स्ट्रॉन्ग भैया, एसिड भी स्ट्रॉन्ग, बेस भी स्ट्रॉन्ग, एसिड भी स्ट्रॉन्ग, बेस भी स्ट्रॉन्ग, तो नेचर ऑफ सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल आएगा। उसी तरह से दूसरा सॉल्ट इज अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, इसमें अगर गेस करते तो इसका बेस होता हमारा
अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और एसिड होता हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहीं पर जानने वाली बात है बच्चों, जानने वाली बात यह है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, वीक बेस और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। तो न्यूट्रलाइजेशन तो है बट क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो नेचर ऑफ सॉल्ट जो है बॉस वो एसिडिक हो जाएगा। सिमिलरली कैल्शियम सल्फेट को अगर उठाते हैं, कैल्शियम सल्फेट में ये वाला बेस है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 जो है वो एसिड है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक वीक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ओवरऑल जो नेचर है वो एसिडिक हो गया जी, ओवरऑल नेचर एसिडिक हो गया। और इसको ये आता है हमेशा टेस्ट में सोडियम एसीटेट CH3COONa, सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो इसमें बेस जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और एसिड जो है वो एसिटिक एसिड है, पहले लिखवाया गया जिस एसिटिक एसिड नाम भी मालूम होना चाहिए, एसिड बेसिस हम सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज एसिटिक एसिड। ये जो है ये एक वीक एसिड है और इस बार बेस स्ट्रॉन्ग है, इस बार बेस स्ट्रॉन्ग है। तो जो सॉल्ट होगा उसका नेचर बॉस, उसका नेचर जो है वो बेसिक हो जाएगा। उसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसमें जो बेस है वो NaOH है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है और कार्बोनिक एसिड है, दिस इज कार्बोनिक एसिड जो कि एक वीक एसिड में कंसिडर किया जाता है इस केस में। तो यहां पर भी बेस स्ट्रॉन्ग होने के वजह से जो सॉल्ट का नेचर है वो बेसिक आ रहा है। उसी तरह से सोडियम कार्बोनेट, इसमें भी यही वाला बेस है NaOH और यही वाला एसिड है कार्बोनिक एसिड, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, इस बार बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है, इस वजह से सॉल्ट का नेचर है वो बेसिक है। इस तरह से आता है स्कूल एग्जामिनेशन में भी, आपको सॉल्ट का नाम दिया हुआ रहेगा और वो एसिडिक है कि बेस ये बताना पड़ेगा, सॉल्ट का नाम दिया हुआ रहेगा एसिडिक या फिर बेसिक बताना पड़ेगा जी, ठीक है। कुछ और अगर लिखा जाए, कुछ और सॉल्ट्स अगर लिखते हैं तो आप लोग खुद से बताइए, खुद से अगर लिखते हो तो थोड़ा कुछ बताओ। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, सॉल्ट इज पोटेशियम नाइट्रेट है ना, दिस इज K NO3, पोटेशियम की भी वैलेंसी 1, नाइट्रेट की भी 1, KNO3 है। इसमें कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो इसमें बेस होता KOH और एसिड होता नाइट्रिक एसिड, ये वाला जो है वो बेस है और ये वाला जो एसिड है और दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग और एसिड भी स्ट्रॉन्ग, जिस वजह से नेचर ऑफ सॉल्ट है वो न्यूट्रल हो जाता है। और क्या एल्यूमिनियम क्लोराइड लेने के लिए बोला था, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसमें अगर गेस करते तो बेस होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी याद होगा 3, हाइड्रोक्साइड का 1, AlOH का होल क्यूब होता बेस, अरे सॉरी यार सॉरी 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 एल्यूमिनियम क्लोराइड लेने के लिए बोला, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, क्लोरीन की 1, कंपाउंड्स नेम इज AlCl3 है ना। तो इसमें बेस कौन होता है, बेस होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल क्यूब और एसिड होता HCl, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता बेस और एसिड HCl होता, दिस इज बेस
this is acid, this is weak base, strong acid, overall जो इसका nature हो जाता है वो acidic हो जाता है. और zinc sulfate, zinc sulfate ZnSO4, इसमें जो base होता है that would have been zinc hydroxide. जिंक की वैलेंसी 2 हाइड्रोक्साइड की मान और H2SO4 होना चाहिए. ये जो वीक लिखा गया है इसमें भी वीक, ये भी वीक है और ये स्ट्रांग है, जिस वजह से अभी भी जो नेचर आ रहा है वो एसिडिक ही आ रहा है ना. और बाकी आप लोगों ने देखा ठीक है. तो इस तरह से अगर सॉल्ट दिया हुआ रहे तो सॉल्ट का पहले सोल्यूशन, सॉल्ट का पीएच नहीं निकालना है, सॉल्ट का सोल्यूशन बनाना है, सॉल्ट का सोल्यूशन बनाना है और सॉल्ट के सोल्यूशन का पीएच चेक करना है और उसमें कॉन्सेप्ट लगाना है कि वो किस एसिड और किस बेस से बना हुआ है. फिर एसिड में कॉन्सेप्ट लगाना है कि वो स्ट्रांग एसिड है या फिर वीक एसिड है. बेस में कॉन्सेप्ट लगाना है कि वो स्ट्रांग बेस है या फिर वीक बेस है. और फिर गेस करना है कि वो सॉल्ट तो बना बट वो सॉल्ट न्यूट्रल होगा या फिर एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा. ऐसे आप और भी सॉल्ट्स का नाम लिख करके खुद से भी बना सकते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट. ठीक है, आज का वीडियो बस यहीं तक रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर ऑल प्रेस करके रखो और दोस्तों से वीडियो शेयर कर दो. और जो लोग ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन मोड पर पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन मोड पर पेमेंट अपना बच्चों करते रहे ठीक है, एडमिशन लेकर के रखें. तो आज की वीडियो यही तक, थैंक यू.